परीक्षित, यद्यपि भगवान आत्मा राम हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियाँ थी उतने ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियाँ थक गई, तब करुणामय भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कमलों के द्वारा उनके मुंह पीछे परीक्षित भगवान के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघराली अलके लटक रही थी, तथा उस प्रेम भरी चितवन से जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथनियों के साथ जल में घुसकर कीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल कीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया। उस समय भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की रंग रगर से कुछ कुचल सी गई थी और उनके वक्ष स्थल की केसर से वह रंग भी गई थी। उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे, मानो गंधर्वराज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हो। परीक्षित, यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर तथा हंस हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारे डाली। जल उलीच उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ब्रज युवतियों और भौरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए। वह बड़ा ही रमणीय था। उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। उसमें भगवान इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे मदमत गजराज हथनियों के झुंड के साथ घूम रहा हो। परीक्षित, शरद की वह रात्रि जिसके रूप में अनेक रात्रियां पूंजीभूत हो गई थी,
बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है, उन सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेसी गोपियों के साथ यमुना के पुलिन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया, यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मयी लीला है और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रिया को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था। उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था।